झारखंड में किसानों के पास बीज नहीं है, फिर भी सरकार का दावा है कि राज्य में बंपर पैदावार होगी। बात बिल्कुल सच है। राज्य के जिलों में धान, मक्का, रागी और ज्वार के निर्धारित लक्ष्य 43,483 क्विंटल की तुलना में अब तक 17,513 क्विंटल की बीज कृषि निदेशालय से भेजा गया है। झारखंड सरकार ने इस वर्ष 50% अनुदान पर किसानों को बीज मुहैया कराने का निर्णय लिया, लेकिन खरीफ फसल के लिए अनुदानित बीज वितरण की धीमी रफ्तार से किसान परेशान हैं। बावजूद इसके सरकार ने जुलाई के अंत तक 80% रिकॉर्ड बुआई की उम्मीद जताई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने चक्रवाती तूफान यास और कोरोना आपदा के समय में भी किसानों को समय पर समुचित बीज देने का दावा किया है। तकरीबन सभी जिलों में पहुँच गया है। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कैलेंडर जो जारी किया था, जब से झारखंड बना है पहली बार कृषि विभाग ने इस बार कैलेंडर जारी किया। हमने अपनी भावना को विभाग के सचिव अबूबकर जी को बताया था और इन्होंने 25 तारीख कैलेंडर जारी किया था, जिसे सभी प्रखंडों में 20 दिवस के रूप में मनाया जाना था, लेकिन इसी बीच COVID-2 का प्रकोप हुआ और हम लोगों ने तैयारियों को रिफॉर्म किया। हमने 12 तारीख को, चूँकि प्रायर से ही तैयारियां थी, 12 मई को गोड्डा में बीज बंटवाना शुरू किया। नेचुरल इम्बैलेंस के कारण यहां 12 जून से 15 जून के बीच में वर्षा आता था और उस समय किसान बुआई करते थे, लेकिन यास चक्रवात के आने से अब 2 दिन के बाद हमारे किसान खेतों में हल ट्रैक्टर लेके जाएंगे और चूँकि उन्हें बीज भी उपलब्ध करा दिया गया है, तो इस बार बुआई का काम पहले हो जाएगा और जुलाई के अंत तक जो पहले हमारा आच्छादन 25% होता था, वो आच्छादन अब 80% हो जाएगा। मतलब बम्पर क्रॉप की संभावनाएं, यदि सब कुछ रेगुलर रहा तो उसकी संभावनाएं बनती है। तो इस आपदा ने हमारे लिए अवसर प्राप्त किया। धान की खेती के लिए बीज की क्वालिटी के अनुसार प्रति हेक्टेयर 70 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 1800,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया था। अभी तक विभाग ने 39,860 क्विंटल धान का बीज आवंटित किए, जिसमें 27 मई तक 17,513 क्विंटल की आपूर्ति जिलों को कर देने का दावा किया गया, लेकिन आवंटन की तुलना में बीजों की आपूर्ति आधी से कम है। वहीं रागी, ज्वार और मक्का बीजों की आपूर्ति तो और भी चिंताजनक है। सरकारी दावों की इतर किसानों तक बीज नहीं पहुंचा है। धान समेत अन्य फसलों के बीज रोहिणी नक्षत्र में बोया जाता है, मगर सरकार की ओर से अब तक कहीं भी बीज उपलब्ध नहीं हुआ है। बात रही किसान के लिए, सुनने में आया है धान का बीज, मकई का बीज मतलब आया हुआ है, लेकिन वैसा कोई किसान को अभी तक प्राप्त नहीं हो गया हुआ। एक तरह से बारिश की वजह से भी किसान तबाह हो गए हैं। लॉकडाउन के वजह से बिक भी नहीं पा रही है, सही से बीज भी नहीं मिल पा रही है। खाद भी लेने जाइए दुकान में तो जो खाद का 1500 MRP लिखा हुआ है उसको 1700-1800 रुपये दे के लाते हैं हम लोग दुकान से। नहीं सर, नहीं, कोई धान का बीज कोई किसान को नहीं मिला है। मेरा गांव में सारा किसान है, हमारा बेड़ो क्षेत्र बेड़ो प्रखंड में सारा किसान है। अब कहीं भी जा कर पता कर लीजिए, कोई भी किसान से पता कर लीजिए, किसी को अभी तक हमको लगता है आधा KG धान उसको नहीं मिला होगा, सरकारी धान अभी तक तो नहीं मिला है। हर साल तो मिलता है, इस बार नहीं मिला अभी तक। धान का भी ब्लॉक में मिलता है, वो नहीं मिला। किसानों के साथ रांची से BJP सांसद ने बीज उपलब्ध न कराने को लेकर सरकार को दोषी माना है। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार सिर्फ लंबी लंबी घोषणाएं करती है। इनका तो कुछ लेना देना नहीं है। आप धान पिछली मरतबा जब धान कट के आ गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब नहीं, धान तो हम गीला नहीं खरीदेंगे। कैसे कैसे बयान! एक तो धान पड़ा हुआ है, किसान मर रहा है, जो धान की खरीद हुई उसका ही पैसा नहीं दे रहे, तो इनके नियत में खोट है। ये बीज वाला बताया, ये तो घोषणा हमने भी, हम तो लगातार गांव के संपर्क में रहते हैं, गांव ज़्यादातर हम ग्रामीण इलाकों में रहते, वहाँ कंप्लेन है, बोले कुछ सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। और अभी तक जितने गांव घूमे इधर, उन्होंने बताया घोषणा के बाद कि अभी तक हम लोग को कोई सूचना नहीं। कोरोना से लाचार यास तूफान जैसी प्रकृति की मार से किसान बेजार है, उस पर सरकार का दावा और किसानों की बयां हकीकत एक दूसरे में विरोधाभास पैदा करता है। भुवन किशोर झा, ETV भारत, रांची।